हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के लगभग बीचों बीच अवस्थित मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित बालाघाट जिला के बारे में। यह जिला 18वीं शताब्दी के शुरुआत में दो गोंड साम्राज्यों के बीच बांटा गया था। बालाघाट जिला अपने प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह जिला औद्योगिक संस्थान के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। देखा जाए तो ज्यादातर अपने चावल मिलों और इसके साथ ही कारखानों और टाइल्स मार्बल के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इस जिले का गठन सन 1867 ईस्वी को करवाया गया था। और तो और यह जिला अपने समुद्र तल से 288 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। बालाघाट सिटी का कुल क्षेत्रफल 9245 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 4932 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल घने जंगलों के अंतर्गत आता है। अगर यही बात करें प्रतिशत के तो लगभग 40% कुल क्षेत्रफल में से घने जंगलों के अंतर्गत आता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से साल 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल आबादी 17 लाख से भी अधिक थी, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 8,42,000 के करीब और स्त्रियों की संख्या 8,59,000 के करीब थी। अगर साक्षरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस जिले की कुल साक्षरता दर 78.29% है। इससे यह पता चलता है कि इस जिले के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे वर्ग के होते हैं। बालाघाट जिला अपने चारों ओर पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है, जैसे उत्तर में मंडला जिला, दक्षिण में महाराष्ट्र के गोड़िया और भंडारा जिला, पश्चिम में सिवनी जिला और पूर्व में छत्तीसगढ़ के राजनंदा गाँव से घिरा हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस जिले की कुल आबादी में से 89.29% हिंदू, 2.26% मुस्लिम और 0.31% क्रिश्चन आदि लोग निवास करते हैं। दोस्तों और तो और इस शहर में कई सारी पर्यटक स्थल मौजूद है, तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना बालाघाट शहर का भ्रमण अधूरा है। कान्हा नेशनल पार्क। यह पार्क हमारे भारत देश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क मध्य प्रदेश राज्य का दो जिलों बालाघाट और मंडला जिलों में फैला हुआ है। यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सन 1933 में इसे अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1955 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। आप यहां जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। यहां कई प्रकार के जंगली जीव देखने को मिलते हैं, जैसे तेंदुआ, हिरण, बाघ, जिनमें से बाघ प्रमुख है। गंगुलपारा डैम। यह इस जिले का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह बांध पूरी तरह पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह बांध बालाघाट से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लांजी का किला। यह किला बालाघाट जिले की एक प्राचीन धरोहर है। यह किला करीब 7 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि देखने योग्य बना हुआ है। इसके अलावा इस शहर में कई सारी पर्यटक स्थल मौजूद है, जैसे राजीव सागर बांध, ड्यूटी बांध, हट की बावली, रामरमा वाटरफॉल और बॉटेनिकल गार्डन जैसे कई सारे पर्यटक स्थल मौजूद है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।